हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज शोम गुप्ता हेयर। जैसे कि आप सबको पता है कि हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो आज के लेक्चर में भी मैं आपके लिए रिलेशनल फंक्शन के ऊपर एमसीक्यू लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट ए फंक्शन। ये कर्व्स दिए हैं, आपको देखना है इनमें से कौन सी कर्व फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आल्सो चेक 1-1, आपको 1-1 फंक्शन भी चेक करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले एक चीज मेरे को बताओ, अगर कोई फंक्शन ही नहीं हो, अगर कोई कर्व ऐसे निकल जाए जो फंक्शन नहीं है, तो वो कभी 1-1 हो सकती है? वो कभी 1-1 भी नहीं होगी, क्योंकि 1-1 बनने के लिए जरूरी है उसका फंक्शन बनना। मगर हाँ, कोई फंक्शन है तो वो कभी कभी 1-1 हो भी सकती है और कभी कभी नहीं भी हो सकती है। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया है जो मैं एमसीक्यू के ऊपर लेके आया, उस पर भी मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन लाया था जिसमें आपको समझाया गया था क्या कि जब भी कोई फंक्शन होता है तो हम क्या बोलते हैं, कोई भी अगर आपका एक्स एलिमेंट है तो उसकी दो इमेज नहीं हो सकती, ना दो इमेजें हो सकती हैं ना दो से ज्यादा इमेजें हो सकती हैं। क्लियर? मतलब अगर आप इस फंक्शन में जो ये एफ ऑफ एक्स है इसके अंदर एक्स डालते हो, एक जैसे आपने एक्स वन डाला, तो आपको 3-4 आंसर नहीं मिल सकते, आपको एक ही मिलेगा, यूनिक इमेज मिलेगी, ठीक है। तो वही कंसेप्ट इन में लगाएंगे, आप अपनी फिगर 1 को ध्यान से देखो। मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये ग्राफ पहले का बनाया हुआ, तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया अपने समझने के लिए। सब ये x एक्सिस है ना और ये y एक्सिस है, ठीक है। सपोज ये x में 5 पॉइंट है, तो हम देख सकते हैं जब फंक्शन 5 पे पहुंचा, जब x क्या लिया मैंने 5 लिया, तो आपको ये पॉइंट मिल रहा है, और सपोज ये इधर कहीं 2 को टच कर रहा है, तो मैं बोल लूंगा 5 के ऊपर आपको आंसर कितना मिल रहा है, 2। सिमिलरली 5 के ऊपर आपको सपोज अगर ये -2 है, तो सिमिलरली 5 के ऊपर आपको आंसर क्या मिल रहा है, -2। तो जब मैं इसकी डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ इस टाइप की बनी ना कि 5 है उसके दो आंसर, एक 2 और एक -2। तो बताओ क्या ये कभी फंक्शन हो सकता है? ये कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता। अगर ये फंक्शन नहीं है तो ये 1-1 भी नहीं होगा। ये जो 5 और 2 मैंने लिया, मैंने आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो एक्स वाला पॉइंट है, ये पॉइंट तो एक ही है, अब ये 5 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर आंसर 2 मिल रहे हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, सेम पॉइंट के ऊपर 2 आंसर मिलते हैं, और ऐसा कभी फंक्शन बनता ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो 1 ग्राफ आपको दिख रहा है ये फंक्शन नहीं है, अगर ये फंक्शन नहीं है तो 1-1 चेक करने की जरूरत नहीं है, 1-1 भी नहीं होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ में क्या दिया आपको, अगर हम नेक्स्ट ग्राफ को ध्यान से देखो तो आप देख सकते हो सामने, जैसे आपने एक्स इधर ले लिया ये 5 या -5, तो आपको आंसर ये मिल रहा है, -5 का आंसर आपको ये मिल रहा है। तो ये सपोज ये 4 पॉइंट है, तो आपको -5 का आंसर कितना मिल रहा है, 4। वैसे आप इधर गए, इधर 5 ले लिया, तो 5 पे भी आंसर क्या मिल रहा है, 4। अब किसी को डाउट होगा कि क्या ये फंक्शन है, तो उसका डाउट मैं अभी क्लियर करता हूँ। -5 और 5 का 4, दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती, मगर एक एलिमेंट के दो इमेजें नहीं हो सकती। तो ये फंक्शन तो है, जो सेकंड ग्राफ है ये आपका फंक्शन है। अब चेक करना है क्या ये 1-1 है, तो 1-1 कौन सा होता है जिसमें एलिमेंट तो अलग लो मगर उनकी इमेज क्या आनी चाहिए, सेम, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस आनी चाहिए। 1-1 फंक्शन कौन सा होता है जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस आनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था, -5 और 5, ये दोनों अलग एलिमेंट है ना, एक -5 है और एक 5 है, तो अगर ये 1-1 होता तो ये डिस्टिंक्ट है, तो इनके आंसर भी डिस्टिंक्ट आने चाहिए थे। मगर अगर आप ग्राफ में देखो और इसको प्लॉट करो, और अगर ये वाला पॉइंट आप 4 ले लेते हो, तो -5 का आंसर कितना आ रहा है, 4। सिमिलरली 5 का भी आपका आंसर कितना आ रहा है, 4। तो आप देख सकते हो सामने एलिमेंट तो डिस्टिंक्ट थे, मतलब 5 और -5 आपस में तो सेम नहीं है, डिस्टिंक्ट है, मगर उनकी इमेजेस क्या आ रही है, सेम। तो कुछ ऐसा आ रहा है ना,
डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, तो क्या ये 1-1 होगा? ये 1-1 नहीं होगा। ये फंक्शन होगा? फंक्शन तो होगा, मगर ये 1-1 नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, पूरे एमसीक्यू कर लेते हैं, मगर इस टाइप के क्वेश्चन हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो तभी मैं आपके लिए स्पेशली 2 क्वेश्चन लाया हूं ग्राफ के ऊपर बेस्ड पे, ताकि आप अच्छे से समझ लो। अब आ गया आपका थर्ड ग्राफ। थर्ड ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर ये पॉइंट आप एक्स को ले लेते हो 5, और सपोज ये कोई 3 पॉइंट है, ठीक है, तो 5 पे 3 आंसर मिल रहा है, मतलब 5 की इमेज कितनी है 3। अगर आप एक्स इधर लेते हो तो एलिमेंट तो लग गया ना -5, और आंसर भी अलग मिल रहा है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस बन रही है इधर। और कोई भी ऐसा एक्स नहीं मिल रहा जिसपे 2 आंसर मिले, जैसे इस पे ये एक्स था इसके ऊपर 2 आंसर आए थे, वैसे तो कोई भी एक्स नहीं मिल रहा। अगर आप एक्स इधर लेते हो, अगर आप एक्स इधर लेते हो तो आपका आंसर ये मिल रहा है, अगर आप एक्स इधर लेते हो तो आपका आंसर ये मिल रहा है, अगर आप एक्स इधर लेते हो आपका आंसर ये मिल रहा है, अगर आप एक्स इधर लेते हो आपका आंसर ये मिल रहा है। एक्स इधर लो आंसर ये मिलेगा, एक्स इधर लो आंसर ये मिलेगा, हर एक्स पे अलग आंसर मिल रहा है, मतलब यूनिक इमेज है। अगर यूनिक इमेज है तो मैं बोलूंगा ये फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन क्या होती है? यूनिक इमेज। और मोर ओवर यूनिक इमेज तो मिल रही है अलग अलग एलिमेंट्स में, जैसे ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इसकी और इसकी इमेज है ना, ये एक्स और ये एक्स दोनों अलग है ना, अलग दूर दूर अलग है, तो इनकी इमेजेस भी क्या आ रही है? अलग आ रही है। ठीक है, तो ये फंक्शन भी है और ये 1-1 भी है। तो ऐसे पहचानते हैं, कोई भी ग्राफ अगर आपको दिया हो उसको आप पहचानो फंक्शन है या 1-1 है, तो ऐसे पहचानते हैं। स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन? आपको एक फंक्शन दे दी है fx is equal to mod of x minus 1 upon x minus 1, इसकी आपको रेंज निकाल लिया। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखेंगे रेंज क्या होती है। रेंज होती है फंक्शन के इमेजेस का सेट, जैसे अगर आपके पास एक फंक्शन है ना, या आपके पास कोई भी फंक्शन है f from a to b, तो रेंज क्या होती है, जो इस साइड पे ये जो एलिमेंट्स की इमेजेस बनी होती है ना, वो क्या क्या आंसर दे सकता है फंक्शन, वो रेंज होती है कि जो फंक्शन है वो क्या क्या आंसर दे सकता है। ठीक है, आपको देखने में मुश्किल लग रहा होगा, मैं करने में क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। कैसे? देखो आपको पता है मॉड एक्स के 2 आंसर होते हैं, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स। ठीक है, प्लस एक्स कब होता है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कब होता है? एक्स लेस देन 0। वैसे मॉड एक्स माइनस 1 के भी 2 आंसर होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, अब ये जो माइनस है ये कब होगा? एक्स लेस देन इक्वल टू, जैसे ये मॉड एक्स है ना, तो इसको ओपन करेंगे तो एक्स माइनस 0 आएगा, तो ये पॉइंट लेना होता है। इधर 0 क्यों है? क्योंकि इधर 0 है। अब इधर कौन है? 1, तो मैं लिखूंगा एक्स लेस देन 1, और इधर क्या लिखूंगा? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो कहने का मीनिंग है कि जो ये वाला मॉड एक्स है इसके भी 2 आंसर आएंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। ठीक है, तो मेरे को 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन मतलब क्या पता ये कभी प्लस का आंसर दे, तो जब ये प्लस का आंसर देगा तो मॉड ओपन करके ऐसे दिखेगा, मॉड ओपन करके ऐसे दिखेगा, और कभी कभी ये माइनस का भी दे सकता है, क्योंकि मॉड की 2 वैल्यूज होती हैं, तो मॉड ओपन करके ऐसे दिखेगा। प्लस का आंसर कट गया तो प्लस 1 आएगा, ये कट गया तो माइनस 1 आएगा, मतलब जो एफ एक्स है वो आंसर है किसके? इस एक्स वैल्यू के आंसर कौन है? एफ एक्स। तो आप देख रहे हो आपके पास 2 ही आंसर मिल रहे हैं, या तो 1 या तो -1। ये बोलता है रियल नंबर सारा, ये तो होगा नहीं। ये बोलता है 1 से इनफिनिटी, ये भी नहीं होगा। ये बोलता है 1 और -1, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर आपको रेंज निकालनी है मॉडुलस की, तो मॉडुलस की रेंज निकालना बड़ी सिंपल है, और मॉड को ओपन कर दो, मॉड को क्या कर दो? ओपन कर दो। मॉड की 2 वैल्यूज होती है, एक प्लस में और एक माइनस में, दोनों को सॉल्व कर लो, तो यहां तो आपका 1 आएगा या तो आपका -1 आएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट ए 1-1 फंक्शन और नॉट? विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट ए 1-1 फंक्शन और नॉट? तो फिर वही कर्व वाला कांसेप्ट, ताकि आपको अच्छे से कांसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब आप वीडियो को पॉज करेंगे, पहले खुद से सोचेंगे और फिर बाद में आंसर मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं जाना डायरेक्ट, बिल्कुल सीधे आंसर नहीं सुन लेना मेरे से। आप पहले पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो
कि आपको समझ आ रहा भी है नहीं, और फिर आप आंसर क्या हो। ठीक है, तो वन वन फंक्शन होने से पहले जरूरी है क्या हो, फंक्शन हो। ठीक है, तो फंक्शन कब नहीं होगा, जब आपके पास एक्स आप कोई एक वैल्यू ले लेते हो उसके ऊपर आंसर आपको दो मिले या दो से ज्यादा मिले, तो वो कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये मैंने एक्स लिया तो वाई भी इधर है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप एक्स ले रहे हो वाई ये मिल रहा है, चलते जा रहे हो, आपने एक्स ये लिया, ठीक है, तब भी वाई इधर है। ठीक है, मतलब अभी एक्स लिया था जीरो तो आपको वाई भी क्या मिला, जीरो। अब इधर सपोज एक्स वन है, आपको वाई क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, अब इधर एक्स सपोज टू है तो वाई क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस पे वो जीरो है। ठीक है, तो कहने का मीनिंग है एक्स जीरो पे क्या मिल रहा है, जीरो, एक्स वन पे क्या मिल रहा है, जीरो, टू भी क्या मिल रहा है, जीरो। ये केस तो चलता है फंक्शन के लिए, चलता है ना फंक्शन के लिए, अलग अलग एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है मगर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेजें नहीं हो सकती, तो ये केस तो चलेगा, तो ये फंक्शन तो है। क्यों, क्योंकि आपको जो भी इमेजेस मिल रही हैं वो यूनिक मिल रही हैं, जो भी इमेजेस मिल रही हैं वो क्या मिल रही है, यूनिक, तो ये फंक्शन तो है। अब चेक करना आपको वन वन, वन वन कैसे चेक करेंगे, वन वन के लिए होता क्या स्टूडेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस बननी चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर आप एक्स इधर ले रहे हो वन तो आपको आंसर वाई के हिसाब से क्या मिल रहा है, जीरो। अगर आप एक्स ले रहे हो टू तब भी आंसर क्या मिल रहा है, जीरो। तो दो अलग एलिमेंट्स की इमेज सेम बन रही है, वन की इमेज भी क्या आ रही है, जीरो, और टू की इमेज भी क्या आ रही है, जीरो। मगर वन वन बोलते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज बननी चाहिए, तो क्या ये वन वन है, नो इट इज नॉट ए वन वन फंक्शन। आई होप आप समझ रहे होंगे ग्राफ देख के कैसे लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पहले चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है, तो फंक्शन कैसे चेक करेंगे, शाबाश, देखो अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, ये सपोज वन है ना, तो एक्स जब वन है तो इस वन पॉइंट पे आपको आंसर एक तो जीरो मिल रहा है, मतलब जब एक्स आप वन ले रहे हो तो आपको वाई का वैल्यू क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है, सामने दिख रहा है ओरिजिन पे। वैसे अगर आप इसी एक्स को आप वन पे ही रख रहे हो, है ना, देखो सामने ऊपर सेम पॉइंट है, मगर आपको इस केस में वाई कितना मिल रहा है, अगर ये जीरो है तो वन टू थ्री समथिंग थ्री ले लो, तो आपको वन पे ही क्या मिल रहा है, जीरो भी मिल रहा है, और ये पॉइंट है जो ये वाला पॉइंट ऊपर, ये पॉइंट कैसा होगा, एक्स वन और वाई थ्री, तो वन पे आपको जीरो भी मिल रहा है और वन पे आपको थ्री भी मिल रहा है, तो ऐसा हो सकता है, ये फंक्शन नहीं, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। तो सेकंड पार्ट है ये फंक्शन ही नहीं है, अगर ये फंक्शन नहीं है तो ये वन वन होगा, ये वन वन भी नहीं। ठीक है, चलते हैं थर्ड पार्ट में, तो थर्ड पार्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स जैसे जैसे आप चेंज करोगे वाई आपका चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। जब आप इधर पहुंचोगे एक्स जीरो तो वाई भी आपको क्या मिलेगा, जीरो। आप इधर पहुंचोगे एक्स को सपोज माइनस वन मान लो इस साइड, तो वाई अभी भी क्या आ रहा है, जीरो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, आप एक्स ले रहे हो जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन, और आपको आंसर मिल रहा है जीरो, तो इतना चलता है, चलता ना, ये फंक्शन तो है, ये फंक्शन आपका है क्योंकि यूनिक इमेजेस दे रहा है। क्या ये वन वन है, इधर से पता चलता नहीं है, क्यों, जब आप एक्स जीरो ले रहे हो तब भी आंसर जीरो मिल रहा है, जब आप एक्स कोई माइनस वन ले रहे हो तब भी आपको आंसर कितना मिल रहा है, जीरो। तो दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल रही है, तो इनमें से कोई भी वन वन नहीं था, वो तो फंक्शन ही नहीं था, ये तो आपका फंक्शन ही नहीं है, तो वन वन कहां से होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये ग्राफ वाले कंसेप्ट समझ आ गए होंगे, अगर आपको तब भी ग्राफ वाले कंसेप्ट में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में दोबारा ग्राफ वाले क्वेश्चन लिख के आऊं। ठीक है, अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिए, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बेस समझाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में, जिसमें मैं आपके आगे एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगा, मैंने आपको पहले बोला एमसीक्यू सीरीज पूरी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बस आप बने रहिए मेरे साथ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।